चौरी चौरा क्षेत्र के रामनगर करजहां फुटवा इनार से फर्जी कागजात के सहारे ट्रक समेत 450 बोरा गेहूं उड़ाने वाले तीन जालसाजों को पुलिस ने बुधवार को गगहा क्षेत्र के फ्लोर मिल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फर्जी नंबर लगा ट्रक और उसमें लदा चोरी का 214 बोरा गेहूं व 14,500 नकदी बरामद हुआ। गिरफ्तार होने वालों में मऊ आरटीओ का एक दलाल भी शामिल है। कटुरचित दस्तावेज के सहारे ट्रक लदा गेहूं चोरी करने की घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसपी उत्तरी अरविंद पांडे और सीओ क्राइम परवीन सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर के संजय चोपड़ा गेहूं व्यापारी हैं। चौरी चौरा क्षेत्र के रामनगर करजहां फुटावा इनार से 450 बोरा गेहूं खरीद कर वो 17 फरवरी को वाराणसी के लिए भेजे। दो दिन बाद भी गेहूं लदा ट्रक वाराणसी नहीं पहुंचा तो वो पुलिस को सूचना दिए। पुलिस ट्रक नंबर और अन्य जमा कागजात के सहारे तफ्तीश में जुटी तो मालूम चला कि जिस ट्रक से गेहूं गया उस पर फर्जी नंबर लगा हुआ है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई थी कि बुधवार की शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि गगहा क्षेत्र में कौड़ीराम के पास फर्जी नंबर ट्रक लगा खड़ा है। पुलिस सूचना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंची और ट्रक और उसके साथ मौजूद तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। ट्रक में 2014 बोरा गेहूं लदा हुआ था। शेष गेहूं का वो मिल पर बेच दिए थे। पूछताछ में उनकी पहचान आजमगढ़ जिले के सराय मिल क्षेत्र के बोस्ती निवासी रमेश चंद्र यादव, कड़झा का मनीष यादव और मऊ जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के तिलसवा निवासी स्वतंत्र प्रजापति के रूप में हुई। स्वतंत्र मऊ आरटीओ का दलाल है। वो विभागीय कर्मचारियों से सांठगांठ कर गाड़ी का कुटुरचित दस्तावेज तैयार कराता था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, सब लोग आ जाएंगे। पीछे से बनाओ सिकंदर। अभी कहाँ है? ये फर्जी अभिलेखों के सहारे फर्जी आरसी लगाना, फर्जी ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ट्रक के माध्यम से, ये कुछ एक व्यवसायी हैं संजय चोपड़ा करके, ये अपना व्यवसाय करते हैं। तो कुछ गेहूं इनको ट्रांसपोर्ट करना था, ये चौरी चौरा से जाना था, ये बनारस जाना था, लेकिन जो जिन्होंने लगाया अपना फर्जी अपडेट लगा करके अपना ये पता छुपाने का प्रयास किया गया। और फिर ये जो इसमें जो दो लोग मुख्य रूप से शामिल थे, रमेश चंद्र और मनीष यादव, इस ट्रक को 405 बोरी थे, सब ले जा करके अपना आजमगढ़ में डंप करते हैं, फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। लेकिन ये स्वाट और ये सर्विलांस की टीम लगी रही और इसमें सफलता मिली। 205 बोरी गेहूं के बरामद भी हो गए, 14,500 रुपये भी बरामद हो गए। और इसमें दो क्या जो फर्जी अभिलेख आरटीओ ऑफिस से बनवाए थे उनको लेकर के तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और जो ट्रक जिसमें फर्जी नंबर लगाया गया था उस ट्रक की बरामदगी भी हो गई। यही कहानी है पूरी। अब ये लूटा गया, उसमें फर्जी अभिलेख लगाए हैं, फर्जी लगा तो ट्रक उसी का है, लेकिन अपना ये पता छुपाने के लिए ही ऐसा किया गया। ये ट्रक ड्राइवर थे, ये ट्रक ड्राइवर है रमेश चंद्र, और ये मनीष यादव हेल्पर हैं। रमेश चंद्र यादव की ट्रक है क्या? अभी जो बाकी चीजें स्पिनर साहब बताएंगे, क्राइम की बता दीजिए सर। एक व्यवसायी था, उसने करमाहा से जो है बुक किया कि इतने जो है 400 बोरियां जो है जाएंगी वहां पहुंचने थे रामनगर में। ये रमेश यादव जो है फर्जी ट्रांसपोर्टर बन के इसने जो है उसको भी फूल किया कि ये हमारे जो है डीएल है, ये हमारी गाड़ी नंबर है, माल लद गया। अब चूंकि गाड़ी की आइडेंटिटी और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सही नहीं थे तो सही पते पर न ले जाके ये लोग गगहा में जो है कहीं फ्लोर मिल पे जो चीजें बेच रहे थे, और काफी सारा इन्होंने बेच भी लिया था जिसका 14,000 रुपया जो है बरामद हुआ है। तकरीबन आधा माल इन्होंने बेच दिया था, 236 बोरी क्यों और 214 बोरी जो है बरामद हुई है। गाड़ी जो है रमेश यादव की ही है,
मैंने अभी तक लूट की बात नहीं पकड़ा था, लेकिन उस पर जो फर्जी नंबर प्लेट थी, तो गाड़ी जो बरामद की है हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने, 214 बोरी जो है वो गेहूँ बरामद किया है, 236 और वो जो पैसा 14,000 रुपए जो बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो प्रजापति नाम का आदमी है, ये जो है गाड़ियों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने में, तो इसके यहाँ से 9 ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये व्यक्ति जो बरामद है, ये बरामद है जो आपके सामने है। और ये RTO ऑफिस में किससे किन लोगों से इसकी साठगांठ थी, ये जो चीज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इतने बड़े पैमाने पे फर्जी डील बनवाने में 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख, 4.5 से 5 लाख के आसपास का लागत था इनका, जो कि मार्केट वैल्यू आप मान के चलिए 5.5 के करीब हो गया, 1 लाख उसका प्रॉफिट हो गया सेलिंग के बाद। तो इसकी प्लानिंग थी, इसके पिताजी के ऊपर ठीक कर्ज था, इसका ऐसा कहना है सरकारी कर्ज था, तो इसने ऐसा प्लान बनाया कि तकरीबन 4 लाख रुपये कर्ज है, और अगर मैं यहाँ से माल उठा लूँ तो इसने यहाँ राजघाट के ट्रांसपोर्ट में जो यहाँ से मतलब गाड़ियाँ लगती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस है तमाम जगहों पे, वहाँ पे इसने डुप्लीकेट मतलब कागज लगाया प्रजापति के माध्यम से, आजमगढ़ से बनवाया इसने, उसने इस बात को स्वीकार भी किया है, उस कागज को लगा के इसने वहाँ से अपनी ट्रक बुक कराई और वहाँ से माल उठाया। इसको पूरा आइडिया था कि अगर मतलब एक ट्रक माल उठेगा तो अगर कोई भी माल जाएगा तो 4 से 5 लाख के बीच हमारा निकल जाएगा, फिर ले जाके इसको अपना धीरे धीरे बेचने लगा। उसी बीच चोरी चोरा पुलिस और क्राइम ब्रांच को जानकारी हुई इस प्रकार की जो मतलब घटना 17 तारीख को हुई थी, उसमें कुछ लोग हैं संदिग्ध जो वहाँ की स्थिति तक खड़ा करके माल को उन्हें पौने दामों में निकाल रहे हैं, और दबिश दी गई तो ये लोग वहाँ से पकड़े गए, जिसमें ठीक है गलत नंबर प्लेट के कागज जो यहाँ पे लगे थे राजघाट में जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जो लगे थे, उसको जब ठीक चेक किया गया तो ट्रक वही निकला, और उसके साथ उसका खलासी हेल्पर और जो मतलब मुख्य साजिश करता था वो भी प्रकाश में आया। और इसमें अच्छी चीज ये रही कि जो RTO का दलाल था उसकी गिरफ्तारी भी हुई कि जिसने इस प्रकार के फर्जी कागज बनाए थे। तो मुख्य चीज इसमें है कि हम इसकी इसका पूरा नेक्सस हम खंगाल रहे हैं कि गोरखपुर के भी RTO ऑफिस से लेकर आजमगढ़ के RTO ऑफिस तक इस प्रकार के डुप्लीकेट कागज बनाने वाले कितने दलाल हैं, उनको भी एक प्रकार का संयुक्त मतलब अभियान चला के हम लोग उसको चिन्हित करेंगे। सभी लोगों ने सिर्फ मतलब एक ही घटना ठीक कबूली है, लेकिन मतलब आगे की जानकारी हम लोग अपने स्तर पर जमा कर रहे हैं कि इनका ठीक क्या व्यवसाय है, ठीक पूर्व में कहाँ आए गए हैं, और इनकी ठीक आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से हुई, और ये सब ठीक है जाँच और बेचना कभी से किस का कहना था कि ठीक है अब तो किसान क्रेडिट कार्ड का कुछ इसके ऊपर कर्ज था पिताजी का, इसका ऐसा कहना है कि 2,30,000 रुपये इसने जो भी गेहूँ बेचे उसमें 2,30,000 रुपये इसने उसमें अपना कर्ज की वापसी की है। तो अब ये भी जांच का विषय है, देखा जाएगा अकाउंट नंबर मांग के किसने मतलब वो पैसा किस माध्यम से दिया है, चूंकि इसके पास है ठीक है JCB भी है, इसका अपना ट्रक भी है, गोदाम भी है, तमाम चीज इसके पास है, तो अभी मतलब इस चीज को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं ये कुछ ठीक है सुनियोजित तो आजमगढ़ से नहीं चल रहा। संजय चोपड़ा जी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, ये गेहूँ के व्यवसायी हैं, अमूमन ये अब तो खाद्यान्न में काम करते हैं, तो खाद्यान्न का सामान इनका ये पूरे प्रदेश में आता जाता है, तो इसीलिए ये वहां से गेहूँ मंगा रहे थे। गेहूँ चोरी चौरा से जा रहा था बनारस के लिए,